गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हम बाज़ार से सामान लेकर आए हैं वो शुद्ध है या नहीं? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। क्या आपने कभी जो घर पर हम सामान लेकर आते हैं उसकी पैकिंग पर, उसके जो डब्बा होता है उसके ऊपर शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है या नहीं, जो प्योर लिखा होता है डब्बे पर? और जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए शुद्ध का अर्थ है कि जो खाने का पदार्थ है या कोई भी पदार्थ है उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो पदार्थ हैं जो भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो मिश्रण से बना होता है, विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बना होता है और इसीलिए वो शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जो दूध है वो किस किस से बना होता है? जल, वसा, प्रोटीन, इन तीनों का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। अगर कोई वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कह रहा है, यानी उसका क्या अर्थ है, उसका क्या तात्पर्य है कि जो वो पदार्थ है वो एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ है, ऐसे कण जो समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जो एक शुद्ध पदार्थ है, एक प्योर चीज़ जो है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनती है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम ये पाते हैं, हमें ये पता चलता है कि जो हमारे आसपास के सारे पदार्थ हैं वो दो या दो से ज़्यादा जो शुद्ध अवयव हैं उनके मिलने से ही बनते हैं। जैसे कि समुद्र का जल, समुद्र के जल में बहुत से लवण पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ वो भी मिश्रण है, वो भी दो या दो से ज़्यादा अधिक अवयवों से मिलने से बनते हैं। और मिट्टी, मिट्टी भी काफ़ी पदार्थों का मिश्रण होती है। अब मिश्रण होता क्या है? मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण को हम बोलते तो पदार्थ ही है, लेकिन ये किससे बना होता है? एक या एक से ज़्यादा जो शुद्ध तत्व है उन तत्वों से या यौगिकों से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हम किसी भी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं भौतिक प्रक्रम के द्वारा। और हम ये जानते हैं कि जो जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड है उसको हम वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक कर सकते हैं, उसको वहाँ से निकाला जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। हमें पता है जो सोडियम क्लोराइड है वो एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक जो अवयव हैं, जो भी इसके अंदर जिससे ये बना हुआ है उसमें हम इनको पृथक नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। चीनी भी क्या एक पदार्थ है क्योंकि ये शुद्ध अवयव है, ये एक ही प्रकार के पदार्थों से बना होता है और इसका यौगिक भी क्या रहता है? समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। जो भी हमारे पास जल है या फिर मिट्टी है वो एक समान कणों से नहीं बनी होती है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। अगर हम किसी एक स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं किसी भी पदार्थ को तो उसके जो अभिलाक्षणिक गुण हैं, जो उसके गुण हैं वो एक समान होंगे अगर हम वो एक स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं किसी एक पदार्थ को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। जो मिश्रण है उसमें एक से ज़्यादा पदार्थ पाए जाते हैं।